हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको टीचमेंट ऐप पे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने टीचमेंट ऐप में जाना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपका टीचमेंट ऐप खुल जाता है। तो जिस भी क्लास टीचर का आपका एग्ज़ाम है, आपको उनके फाइल के अंदर जाना है। यानी जैसे कि मैंने देखो एक्सपेरिमेंटल क्लास, क्लास का नाम रखा हुआ है, तो ये क्लास है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर दो दो टेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे इस जगह पे टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये आता है। तो देखिएगा टाइम दे रखा है ऑन गोइंग, है ना। तो ऑन गोइंग के हिसाब से मैं क्लिक करता हूँ पहले वाले के ऊपर। ठीक है, इस वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही दिखाऊँगा, आप उससे सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है। तो 9 बजे शुरू होना था टाइम, 9:13 हो गए हैं, तो थोड़ा मैं लेट हूँ लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ऑनगोइंग एग्ज़ाम है। अब नीचे देखिएगा, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ आएगा, आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, है ना। अपन को पता है मैन्योर है, तो मैंने बी पे क्लिक कर दिया। और आपको ऊपर की तरफ क्या करना है, ये जो आपके देखिएगा इधर बगल में सबमिट मत कर देना, इधर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट मत कर देना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब तक कि 20 क्वेश्चन ना हो आपको हर बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वरना आधा अधूरा क्वेश्चन पेपर आपका टीचर के पास सब चेकिंग के लिए चला जाएगा। तो आपको नेक्स्ट करना है, तो मैं नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 एक नंबर का है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप वीट इज़, तो रबी है, ए पे है, तो ए आंसर पे क्लिक करना है आपको। ये मेरा ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट करूँगा, अगला क्वेश्चन है समर क्रॉप्स आर, समर क्रॉप्स ये सारे के सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन है, तो डी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कल्टीवेटर इज़ यूज्ड, तो कल्टीवेटर जो होता है वो यूज़ होता है प्लोइंग के लिए, तो बी आंसर। तो यानी कि इस तरीके से आपको लगातार नेक्स्ट 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 यानी कि नेक्स्ट करते जाना है, आंसर देते जाना है, 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 नेक्स्ट करते जाना है, आंसर देते जाना है। तो देखिए 11-12 इस तरीके से लगातार क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, आपको लगातार आंसर टच करना है, नेक्स्ट करना है, फिर आपको फिर से नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे। तो मैंने तो देखो गलत सलत जो भी था मैंने तो पूरा प्रॉपर पढ़ा भी नहीं कि क्वेश्चन क्या, मैं सीधा ऑप्शन चेक क्लिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ करके आराम से इत्मीनान से करिएगा। तो देखिए 20 के 20 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, उसका भी मैंने आंसर सेलेक्ट कर लिया है, तो यानी मेरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबमिट करना है। तो सिंपल सी बात है, बस सबमिट में आप क्लिक करिएगा। तो अभी आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द टेस्ट, यानी कि आप कन्फर्म करना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं, अगर आप कंफर्म हैं कि आपके सारे आंसर सही हैं तो आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करिएगा। अगर शक है और कुछ चेंज करना है तो गो बैक पे जा करके अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर को चेंज करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखिएगा ये प्रीवियस लिखा हुआ है, तो आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो 19वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, फिर प्रीवियस पे दबाओगे तो फिर वो आप 18वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ऐसे लगातार क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे वाले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने तो एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भैया मैंने सारे आंसर सही लिखे हैं। तो वैसे उल्ट पटांग टिक किए थे तो मैं तो नंबर कमाने वाला हूँ, ये मत सोचो मुझे आता नहीं है, मैं तो टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो सबमिट टेस्ट को क्लिक करता हूँ तो ये मेरा काम हो जाता है। तो देखिएगा आपको हाथ के हाथ आपका रिजल्ट दिख जाएगा, यूअर टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली एंड यूअर स्कोर इज 9 out of 20, यानी कि मैंने टप्पे मारे थे तो 9 नंबर ही आए। ठीक है, यानी तुक्के में भी 9 नंबर ले आया मैं तो, ठीक है, कम से कम पास तो हूँ। ठीक है, तो गॉट इट क्लिक करिएगा, ये आपका टेस्ट पूरा हो गया। अब आपके टीचर के पास आपका जो है रिज़ल्ट चला गया है, वो अपने आप आपको मार्क कर देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एग्ज़ाम अटेंड करना है।
एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद जब सारे एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो जाएं, तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स, जो आपने आंसर एक्चुअल में एग्ज़ाम में दिए हैं, वही आंसर्स लिख कर करके ले करके आएंगे, ठीक है, और स्कूल में जमा कराएंगे एग्ज़ाम के लास्ट दिन, जिस दिन आपकी क्लास का लास्ट एग्ज़ाम है उस दिन आप जमा कराएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो कि एग्ज़ाम कैसे देना है। ओके,